ये तो एकदम बीच में ही आ गया पत्थर है ना। अच्छा हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है। हाँ हाँ बहुत ज्यादा है। अच्छा ये सब ये चीन लोगों का काम है। एक एक बार वीडियो खींच देनी है 2 लाख का। बिल्कुल सबका वीडियो लूंगा। से हेलो हेलो जी हेलो नमस्ते ताशी दिल्ली। ये लड़का 2 लाख का वीडियो खींच दिया। इनका तो मैं तभी ले लिया था जब जी मिला था मैं उनसे तो। चलो भैया थैंक यू। केरोंग। अच्छा वहाँ पे मतलब बॉर्डर क्रॉसिंग करके चाइना जा सकते हैं ना? तो चाइना ने ये बॉर्डर रास्ता बनाया पहाड़ों पे। ये इधर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट है यहाँ इधर। अच्छा हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है। हाँ हाँ बहुत ज्यादा है। अच्छा ये सब ये चीन लोगों का काम है। वो लोगों ने बनाया तो मुझे ऐसा कुछ डाउट हो रहा है। वो बोलता है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट है जी मगर धीरे धीरे पता सच में क्या है वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि वो क्योंकि नेपाल में वो माइन का रिसोर्स बहुत ज्यादा है पहाड़ में जी तो गवर्नमेंट तो कोरप है। हाँ तो ये जो है यह है तिब्बतियन सेटलमेंट। यहाँ पे मतलब तिब्बतियन लोग रहते हैं यहाँ पर। ये तो एकदम बीच में ही आ गया पत्थर है ना। ये कैसा लैंडस्लाइड की वजह से आया ना? लैंडस्लाइड की वजह से आया ये बारिश की वजह से। ऐसा जो ये गांव लोगों के जो केने में सुरका माउंटेन सुरका माउंटेन ये जगह का नाम सुरका बोलते हैं। अच्छा 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 नीचे ये पतार माउंटेन है। अच्छा 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 जी नीचे वाला खंजिम हो गया। खंजिम हो गया और इसको सुरका बोलते हैं। सुरका। अच्छा हां ओके। तो सुनने में आया कि ये जो बारिश की वजह से नहीं कि जो ये नीचे घर देख रहा है ना जी घर है वहाँ पे उस लड़के ने जानबूझ के खड़ा किया है। इतना बड़ा पत्थर नहीं वो से ऊपर से गिरा हुआ है ना उन लोगों ने। अच्छा अच्छा नहीं तो ये गाड़ी सीधा ऊपर तक जाता था तो बोलता है कि उन लोगों को बिजनेस होता नहीं बोलता। ओ अच्छा सुनने में ऐसा है मैं ऐसा अच्छा है जाओ प्रूव है ऐसा सुनने में आया ठीक है। सच में कैसा है वो नहीं पता। अच्छा अच्छा मे बी आगे कुछ खुशी दिन दो। ओके तो ये है हमारी टाटा सुमो जिसके वजह से हम यहाँ तक आए। ये कोई गांव है कौन सा गांव है भैया ये नाम क्या है? सुरका। सुरका ठीक है ये टाटा सुमो भैया की सुरका तक लेके आई हमको। और अभी जो ये पत्थर है यहाँ पे बीच रास्ते में एकदम पड़ा हुआ है जो भैया ने स्टोरी बोली थी कि किसी ने यहाँ पे रखा है ताकि इनका बिजनेस हो यहाँ पे। लेकिन ये सुनने में आया था ये प्रूफ मतलब हुआ नहीं अभी तक। तो इसके वजह से अभी हमको सिरपा गांव जाना पड़ेगा जो लगभग यहाँ से और 1 घंटा है। तो यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा ना जी। चलो सब लोग जा रहे ना। ओके चलो ये है भैया हमारे ड्राइवर। काफी अच्छा ड्राइवर है। पहाड़ों में गाड़ी चलाना यहाँ इजी नहीं है ना बहुत मुश्किल है। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम नावांग। नावांग नावांग अच्छा नावांग भैया है जो हमको यहाँ तक लेके आए। कभी आप यहाँ पे आओगे तो जो आपको गेस्ट हाउस दिखाया वहाँ पे आप रुक सकते हो क्योंकि इसके आसपास में कोई ऐसा रुकने का ठिकान नहीं है। जब आप शेरपा गांव जाओगे तो कोई और आएगा तो मुझसे कांटेक्ट किया जी आपको कांटेक्ट करेंगे। आपका जो नंबर है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ठीक है जी। आप मेरे को दे देना नंबर बिल्कुल। और ये आंटी जी इधर का ही है गाँव का ही है ये गाँव का है। अच्छा ताशी दिल्ली है तसे दिले। नहीं ब्रदर टेक केयर टेक केयर ओके। चलो मेरे को अभी एक सपोर्ट मिल गया यहाँ के लोकल लोगों का वरना मैंने वहाँ तक तो अकेला ही आया था तो काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए। और यहाँ से 1 घंटा है ट्रक और फिर पहुँच जाएंगे। काका का वाइफ नहीं हाँ काका का बेटी तो काका का बेटी आपका बहन हो गया ना? मेरा तो दीदी हो गया जी। अच्छा ओके तो ये हम कई एक छोटे से गांव में आ गए थोड़ा सा हाइक करने के बाद। आप देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे घर है छोटे छोटे छोटी सी बस्ती है ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर।
काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लोग हैं आके, और घर के सामने ही उन्होंने अपनी खेती वेती करते हैं और वो ही खाते हैं, क्योंकि इतना दूर से राशन लाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई दुकान वगैरह नहीं मिलेगी। यहाँ पे खेती कौन सी करते हैं भैया, खेती वगैरह खाना खाने के लिए होता है। सब होता है यहाँ पे, जो नेपाल में मकई बोलता है, मकई वही मकई भी, कॉर्न भुट्टा कॉर्न होता है, जो अभी जो उधर जो क्या बोलता है वो वीट, अच्छा वीट चपाती बनाते हैं हम लोग, अभी उन लोगों ने वो पूरा निकाल चुका है जी, सब होता है मतलब यहाँ पे। और ये आलू है, आलू बहुत ज्यादा है ना इधर, आलू भी होता है जी, सब कुछ होता है, सब होता है। अच्छा है, सब खेती होती है यहाँ पे। मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एम था इस जगह पे आने का, जो रास्ते में इतने सारे लोग मिलते, जो लोकल लोग मिलते, उनसे मिलने का था, उनका कल्चर जानना, ये सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, और ये सब हो पा रहा है तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है इस रीजन के बारे में, क्योंकि मेरे को आना था काफ़ी दिनों से इस जगह पर, देखा था मैंने इंटरनेट पर कि यहाँ पर शेरपास, तमांग और तिब्बतियन लोग जो यहाँ पर आए थे चाइना से या तिब्बत से, उनका लाइफस्टाइल देखना, ये मेरा एम था। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सब अच्छा लग रहा होगा, लाइक कर सकते हो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो, वीडियो कंटिन्यू रहेगा। गाय का दूध है, अच्छा अच्छा लंगतांग जाना चाहिए, ठीक है मैं जाऊँगा कल, ठीक है ठीक है, थैंक यू, बाय 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 बाय। ये जगह काफ़ी रिमोट लग रही, हाँ, और थोड़ा जंगल भी है यहाँ पर, थोड़ा ऊपर तक है, ऊपर तक और होगा, अच्छा वो गांव को बोलते हैं शेब्रू खेती, शेब्रू खेती जी। अभी तो मेरे हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से तो बहुत ट्रैक कर लिया है कि नहीं, आपके लिए तो नॉर्मल होगा ना। जब पहली बार मैं इधर छुट्टी पे आया था जी, बहुत लंबे समय के बाद, मैं 11 साल के बाद आया, उस टाइम पे मैं तो चला ही नहीं सका, चल ही नहीं सके आप, क्योंकि दोनों पैरों के नीचे मुझे वो ब्लिस्टर है, वो छाले आ गए थे, आंखें जल रही, और ये काफ़ी मतलब ऊंचाई पे आ गए हम अभी, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आ गए। शेरपा गांव पहुँचेगा तो ये सीधा अपोजिट में है, ये गांव, अच्छा ये अपोजिट में है, दूसरे पहाड़ पे, दूसरे पहाड़, शेरपा गांव इस पहाड़ पे, वो बड़ा नदी वाला, अच्छा नदी भी है ना वहाँ पे, अच्छा लांगतांग के लिए नदी के साइड से जाते हैं ना, और ये भी शेरपा गांव से भी दूसरा रास्ता है, दो रास्ते है, जो नीचे वाला रास्ता है वो थोड़ा एडवांस है, थोड़ा आसान है, इजी है, अच्छा है। नीचे वाला अपना नदी के पास वाला, और सीन भी बहुत मजा, अच्छा अच्छा आएगा, नदी वगैरह देखने मिलेगा, अच्छा जो नदी की साइड से चलते हैं, हाँ वहाँ पे भी लोग रहते हैं क्या, बहुत जगह में होटल है, वो जो नीचे ज्यादा से ज्यादा जो नीचे और नदी के सामने जो होटल है वही गांव लोगों का, अच्छा उनका ये गांव वालों का, मतलब एक घंटा लगता है उस पत्थर से जहाँ पे हमने सुमो रोकी थी वहाँ से लेके शेरपा गांव तक। ये ऐसे काफ़ी सारे स्पॉट्स मिलेंगे जो लोकल लोगों ने बनाए हैं या यहाँ पे रहते हैं मतलब रेस्ट करने के लिए, तो वहीं पे अभी हम फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद और हम ऊपर चले जाएंगे और फिर शायद पहुँच जाएंगे। बता नहीं सकता कि मेरे पैर कितने टाइट हो गए, अभी पूरा थाइस टाइट हो गया, मेरे पैर पूरे जकड़ गए ऐसे, और अभी थोड़ा क्लाउडी भी हो गया, अगर क्लाउडी नहीं होता तो यहाँ से माउंटेन्स दिखते थे बहुत अच्छे से, स्नो भी दिख जाती थी, है ना भैया, ऐसे स्नो दिखता है ना, भैया बोल रहे कि यहाँ से स्नो भी दिखता है, लेकिन अभी पूरा फॉग हो गया वहाँ पे क्योंकि बादल छा गए, इसलिए मैं अभी बोल रहा था कि पहाड़ी मौसम पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि अगर धूप है तो दो मिनट के अंदर क्लाउडी हो जाएगी, बारिश आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा।
जो देख रहा है ना ये वाले, हाँ हाँ दो होल। अच्छा शायद मेरे ख्याल से ये स्टोरी 100 साल पुराना होगा। हाँ जब ऐसे पहले बहुत साल पहले एक तिब्बत से एक लामा आया जी, वो उसके साथ उसने एक ऑक्स ले गया, ऑक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, बैल, ऑक्स बैल वैसा ही कुछ। हाँ बैल साथ में ले गया आया और उसने बैल इधर बांधा, वो यहाँ पे थोड़ा उसने रेस्ट किया था जी। तो हमारी भाषा में ये लंग तासा बोलता है, लंग तासा लंग मतलब होता है बैल। अच्छा तासा मतलब ये बांधने का जगह। हाँ हाँ अच्छा लंग तासा बोलता है। ओके बैल बांधने का जगह। अच्छा तो 100 साल पहले तिब्बत से एक लामा आया था, शायद मेरे ख्याल से 100 साल पुराना होगा। अच्छा ऐसा कुछ स्टोरी है इधर। अच्छा और अगर आप लंगदंग में जाएगा तो वो जगह मिलेगा, उधर एक जगह है वो जगह का नाम लंग शीशा बोलता है। लंग शीशा लंग मतलब बैल हो गया, बैल हो गया का मतलब जो जब उधर पहुंचा तो वो बैल उधर गुजर गया। ओ अच्छा गुजर गया वहाँ पे, उसका डेथ हो गया। अच्छा अच्छा तो शीशा मतलब डेड हो गया, बैल मर गया वहाँ पे जाके, और यहाँ पे बैल को बांधा गया था। तो यही बैल था जो आ गया था लांगतांग में। अच्छा ये स्टोरी है, वो लामा वो ले गया आया था वो बैल। अच्छा अच्छा तो इधर बांध गया वो थोड़ा इधर वेस्ट किया था कुछ ऐसा कवा, तो इसलिए वो अभी भी है वहाँ पर। तो मतलब मेरे ख्याल से वो लामा को थोड़ा पावर होगा, नहीं तो वो पत्थर में ऐसा कैसे होल तो कैसे होगा जी। सही बात है, ये भी है पत्थर में होल था ना, पत्थर में होल करना तो थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे गाड़ी नहीं आती अभी, कुछ भी टाट कुछ भी नहीं, ऐसा ही पैदल ही है यहाँ पे। अगर मेरे ख्याल से अगर आया भी तो शायद सितंबर अक्टूबर के महीने पे थोड़ा आ सकता है। अच्छा सितंबर अक्टूबर में आ सकता है, उस टाइम भी बारिश होता नहीं ना। हाँ ये बारिश वाला मौसम आ गया। तो बारिश अभी मई से चालू होता है ना, जून जुलाई अगस्त। अच्छा 3-4 महीने होता है बारिश का सीजन है। ओके अभी थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है ना। जो लोग बोलता है अगर घूमने आना है तो बेस्ट टाइम सितंबर अक्टूबर है बोलते हैं। वो बेस्ट है, बारिश होता भी नहीं, इतना गर्मी भी होता नहीं, इतना ठंड भी नहीं। अच्छा परफेक्ट वेदर होता है। अच्छा और ये बारिश वाला थोड़ा नहीं है सर, रस्ते ब्लॉक हो जाते हैं, कभी भरोसा नहीं है, लैंडस्लाइड हो जाएगा। मैं गलत टाइम में आ गया मतलब। अभी तो बारिश का मौसम है, मेरे को नहीं पता था कि मई महीने में बारिश होती है यहाँ पे। इंडिया में तो बहुत ज्यादा धूप होती है ना। अच्छा बहुत गर्म होता है, ऐसे ही बारिश का टाइम भी है अभी तो। अच्छा तो अभी फाइनली इतना चलने के बाद हम शेरपा गाँव देख सकते हैं, मतलब पहुंचे तो नहीं, देख सकते हैं वो सामने वाला जो छोटे घर दिख रहे हैं आपको। इन लोगों को भी देखकर आपको ये अंदाज लगा सकता है कि कितना पुराना। जी जी लिखा तो हुआ है ओम मणि पे मे, जो टिबेट में मंत्र है। हाँ हाँ वो फ्लैग में भी लिखा हुआ रहता है ना, मगर दिखने में लगता है बहुत पुराना है, पता नहीं कितने साल का है। हाँ मन तो करा कि यहाँ से एक पीस लेकर उधर टेस्ट करने के लिए लेकर जाऊँ। टेस्ट करने के लिए मतलब कैसे टेस्ट? साइंटिफिक लाइक। अच्छा अच्छा साइंटिफिक, ये वो लोग बोल सकते हैं ना कितने साल पुराना। अच्छा जो आर्कियोलॉजिकल जो भी करते हो, नेशनल पार्क होने की वजह से चेकिंग पॉइंट में तो कुछ भी लेके नहीं जा सकते। ओके लगभग पर ऐसा लग रहा कि मेरे टूट जाएंगे चलते चलते, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे भाई, क्योंकि मैं सुबह से चल रहा हूँ, अभी शायद से 5 बज गए। लेकिन वो शेरपा गाँव दिख रहा है मेरे को सामने की तरफ, छोटे छोटे घर, और ये देखो नज़ारे कितने अच्छे। शायद से इसी नज़ारे को देखने के लिए इतनी मेहनत लगती है यहाँ पर चढ़ने के लिए। हाँ सब होटल है, छोटे छोटे होटल्स है वहाँ पे, पानी भी है, नदी है, अच्छा अच्छा वो जाएगा लांगतांग, वो एक रास्ता है, और दूसरा रास्ता शेरपा गाँव से ऐसा ऐसा सीधा आप देख सकते हैं जी। हाँ खेत जंगल हो गया, ये सब खेत है ना जी, अभी कुछ भी नहीं, सब जंगल हो गया है, अभी लोग नहीं रहते, इसलिए सिर्फ बुजुर्ग लोग हैं। हाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं बस, और जो बच्चे हैं वो काठमांडू पढ़ाई करने के लिए खेती करते हैं, जो ये गांव ये घर की नज़दीक वाले जी सिर्फ वही करते हैं, ये लोग छोटे हैं। तो बारिश स्टार्ट हो गई और मैं अभी भैया को परेशान कर रहा हूँ,
क्योंकि मैंने छाता लाया ना ही मैंने कोई जैकेट लाया तो दो लोग जा रहे हैं। आप जाइए यहाँ से, फिर मैं आ जाऊँगा। ओके, वेलकम टू शेरपा गांव। पहुंच गए हम लगभग, लगभग नहीं पहुंच ही गए। ये शेरपा गांव, मैंने ये जगह इसलिए चूज़ की थी क्योंकि ये सैरू बेसी के पास में मेरे को गूगल में छोटा सा गांव दिखा था। कुछ मेरे को ऐसा एम नहीं था कि मैं यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ, क्या रीज़न है, बस आ गया। जो हमने रेस्ट किया था वो उस तरफ नीचे का वाला पहाड़ है वो है, और जो सैरू बेसी है जहाँ से मैंने ये ट्रैक स्टार्ट किया था, जहाँ पर मैं रुका हुआ था, वो ये पहाड़ छोड़ के, वो पहाड़ छोड़ के, जो तीसरा वाला पहाड़ दिख रहा है छोटा सा, उसके नीचे। तो वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था आज सुबह 9 बजे, और अभी लगभग 5 या 5:30 बजे मैं पहुँच गया। और ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं मेरे को, जो काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। हेलो, तशी दिल है जी। पूरा यहाँ पे खेती वगैरह होता है, आलू भी है, गार्लिक भी है, कॉर्न भी है। तो अभी मैं ये जो वीडियो है यही पेंट करता हूँ, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। बैटरी बहुत ज़्यादा कम है मेरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा, ये भी अच्छा है। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप सब खुश रहो, टेक केयर, बाय बाय।